बिहार के मोकामा से निर्दलीय और बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर पुलिस का शिकंजा सख्त होता जा रहा है। शुक्रवार को नदावा स्थित उनके घर पर पुलिस छापेमारी में AK-47 बरामद की गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने इस बात की पुष्टि की है। छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल के साथ मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई हैं। ग्रामीण SP कांतेश मिश्र विधायक के घर पर कैंप कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। STF और ATS की टीम भी पहुंच चुकी है। अनंत सिंह को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनका घर तोड़ा जा रहा है और राज्य सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने इसके लिए JDU सांसद ललन सिंह और राज्य के मंत्री नीरज कुमार पर भी साजिश करने का आरोप लगाया है। इलेक्शन लड़े थे ललन सिंह से, पूरे प्रचार हमको किया जा रहा है। नीपी सिंह के बाढ़ ले गया गया है उनको तंग करने के लिए। नीपी सिंह पहले हमारे आदमी को गोली पिस्तौल दे दे के उनके भागलपुर में रख ले हैं। उसके बाद हमारा अपने कुर्ती है ना जपती है और उसके बाद हमारा घर कोर रहे हैं 4 बजे भोरे से। नीरज कुमार कहीं ना कहीं इसमें शामिल है क्या दादा? नीरज कुमार से ऊपर कुछ शामिल है? नीरज से कौन मुराद होता है? तो क्या कुछ नीरज से ज़्यादा शामिल ऊपर का आदमी है? तो ऊपर के आदमी कौन है दादा? ललन सिंह वो हेमोपैथी के इलाज करते हैं। तो क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं सरकार से इसको लेकर? हाँ, सरकार में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जहाँ जहाँ जो है वहाँ जाएंगे हम भी। तो सरकार आपके खिलाफ क्यों जा रही है दादा? कारण इलेक्शन लड़े हैं, जेल सरकार खिलाफ जा रहा है। कुछ हम गलती नहीं किए हैं, इलेक्शन लड़े इसलिए दुनिया लड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनंत सिंह लड़ेगा तो इसे किया जाएगा। लड़ने लायक नहीं रह देंगे, अनंत सिंह को बर्बाद कर देंगे, मरवा देंगे। कोई काम बचा के हमारा रख ले नहीं है, कोई काम नहीं। कहियो बालू के कागज आता है 200 करोड़ के, तो कहियो बोली के आता है, कहियो काय के, कहियो बाय के, रोज कुछ न कुछ करना है। आज घर तोड़ रहे हैं, अब क्या करेंगे घर तोड़ के? उठो घर बाद में पता लगेगा क्या करेंगे। आज आपके घर पर भी छापा मरा ले, घर तोड़ रहा है, छापा नहीं मार ले, 104 से घर का तक तोड़ रहा है। गांव का भी फोन से बताया। तो आप जा रहे हैं वहाँ? हाँ, आप वहाँ जाएंगे? वहाँ जा क्या करेंगे? तो यहीं से आप अपनी कार्रवाई करेंगे? क्या करेंगे, गुहार तो हम लगा देंगे सगरो। तो आप कोर्ट जाएंगे दादा अभी? हाँ, कोर्ट भी जाइए। तो कोर्ट पे सीधे आप ललन सिंह पे ही कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, नीपी सिंह पर करवाएंगे, जो घर तोड़ रहा, जो कर रहा सकड़ा पर न करवाएंगे। तो क्या कुछ आपसे फुन्नस क्यों निकाल रहे हैं ललन सिंह? इलेक्शन लड़े हैं ललन सिंह से, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए इतना? हाँ, इतना गुस्सा है या फिर कोई और बात है दादा? नहीं, कोई बात नहीं है, इलेक्शन लड़े हैं उतने वही गुस्सा उतार रहे हैं कि लड़ने लायक नहीं रहने देंगे, हेमोपैथी की इलाज करते हैं। ये सरकार है जो बर्बाद है, कुछ नहीं है, ऐसा जुल्म कोई सरकार में नहीं हुआ है। इस बीच पुलिस ने विधायक का घर तोड़े जाने से स्पष्ट इनकार किया है। विधायक का घर पूरी तरह सही सलामत स्थिति में है। कांतेश मिश्र ने बताया कि संदिग्ध वस्तुओं की जमावड़ी की सूचना मिलने के बाद ये छापेमारी की गई है। विधायक के घर के केयरटेकर द्वारा ही घर का ताला भी खोला गया था। तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और इस घर के जो केयरटेकर है उनसे ताला खुलवाया गया है प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ, और यहाँ से AK-47 राइफल बरामद हुआ है और अन्य कुछ संदिग्ध सामान है जिसके लिए हम लोग बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाए हैं पटना से और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। AK-47 कहाँ से मिला सर? किन जगह से? ये घर माननीय विधायक श्री अनंत जी के घर से भी बरामद हुआ है और इसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अनंत सिंह ने एक आरोप लगाया है कि उनके घर को तोड़ा कोड़ा गया है, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई और क्या मामला है सर? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सारी कार्रवाई हुई और बाकायदा वीडियोग्राफी भी हुई है पूरे घटनाक्रम की, और आप स्वयं भी देख सकते हैं किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई है, बस रिकवरी के लिए जो हम लोगों ने सर्च किया था बस वो कार्रवाई हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि विधायक के घर से और दूसरे ठिकानों से हथियारों का मूवमेंट किया जाना है। कुछ दिनों पहले भी हथियारों का मूवमेंट किया गया था। प्रतिबंधित हथियारों के मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान AK-47 और मैगजीनें बरामद की गई हैं।